नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट पर। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप भी चाहते हैं सेंट्रल लेवल का जॉब करना, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल लेवल का जितने भी जॉब होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स ग्रेड के होते हैं, ग्रुप बी सी डी, ये जो उतने भी ग्रुप हैं, वो सभी का एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों, एसएससी ने आप एक नया नोटिस जारी किया है। वो नोटिस में क्या है और ये कैसे कंप्लीट हो गए, सारी डिटेल्स आज मैं इस वीडियो पे आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कि जॉब का तैयारी करना चाहते हैं या फिर जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी स्टूडेंट के लिए जो पिछले बार एसएससी का जितने भी एग्जाम दे चुके हैं, उन सभी के लिए भी, और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं जो देना चाहते हैं उसके लिए भी, और जिसका रजिस्ट्रेशन खो गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, उसके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी नहीं है, उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसएससी ने ऐसा ही एक ऐसा नोटिस जारी किया है जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही गुड न्यूज भी है, और जितने स्टूडेंट पिछले बार से भर रहे हैं अपना फॉर्म एसएससी में, उसके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज भी है। लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है, और उस सलूशन को करना हमें अनिवार्य है। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं एसएससी का जो ऑफिशियल साइट होता है, मैंने ओपन कर लिया है। यहां पर देख सकते हैं acc.nic.in, ये है एसएससी का ऑफिशियल साइट। लेकिन नोटिस क्या है, यहां पर देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज पे एक नोटिस दिया है रिगार्डिंग ओटीआर एंड एप्लीकेशन मॉडल। अब ये ओटीआर क्या होता है, आपने थंबनेल में तो देख ही चुका होगा, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन 2024, ये सबसे बड़ी न्यूज है। इसी का मैं आज खुलासा करने वाला हूं, इसलिए मैंने एक जो नोटिस है मैं उसे ओपन कर चुका हूं यहां पे। अब ये क्या है, ओटीआर क्या होता है, ओटीआर में क्या होगा, इसका क्या प्रोसेस है, सभी डिटेल्स इस वीडियो पे आपको मैं देने वाला हूं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी छात्रों तक पहुंचाइए जो एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं। एसएससी में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जैसे सीजीएल का होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, सीएचएसएल का होता है जो है प्लस टू के हाई स्कूल प्लस टू लेवल का होता है, और एक है जीडी जो मैट्रिक से होता है। ये तीनों चीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब होता है, जो अच्छा सैलरी भी देती है। इसके लिए आपको एसएससी के द्वारा फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर आप इसका एग्जाम दे पाते हैं, फिर आपको सिलेक्शन होता है। सबसे पहले इस नोटिस में क्या है, रिगार्डिंग ओटीआर एंड एप्लीकेशन मॉडल पे यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरा डिटेल्स है। रिफरेंस इनवाइट टू द इंपॉर्टेंट नोटिस, डेट है 19, यानी कि 19 तारीख को ही डेट रिलीज कर दिया गया था। लेकिन मैं वीडियो आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत ऐसे मैंने वीडियोस भी देखे, बहुत सारे रिसर्च के कैसा क्या है, क्यों करना आवश्यक है, इन सभी के ऊपर मुझे सर्टिफाइड मिला, उसके बाद ही मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। यहां पे आप देख सकते हैं डेटेड 19/2/2024 थर्ड व्हिच हैड बीन इन्फॉर्म दैट द न्यू वेबसाइट, यानी कि एसएससी ने अपना न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। अब न्यू वेबसाइट पे क्या होने वाला है, तो ओटीआर का मतलब ही होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको जो न्यू वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी जॉब के लिए एसएससी के द्वारा फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, क्या नहीं, इस कंप्लीट डिटेल्स में आगे बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले हम इसे नोटिस पे देख सकते हैं कि आपका जो एसएससी का न्यू वेबसाइट है वो है acc.gov.in। अब ये वेबसाइट आपका बिल्कुल ही लाइव हो चुका है, अब आप उस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तब कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं https यानी acc.gov.in पर क्लिक करते हैं। ये एसएससी का कंप्लीट न्यू वेबसाइट है जो कि अब लाइव हो चुका है, अब आप उस पर ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या आवश्यक चीज है, ये भी मैं इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूं। मैं आज लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ओटीआर का जो मतलब एसएससी का जो न्यू वेबसाइट है वो बहुत ही यूजफुल है, और बहुत ही इंटरफेस बहुत ही आसान तरीके से है। पिछले बार तो बहुत सारा लैग्स करते थे, लेकिन इस बार अब लैग्स नहीं करने वाला, ये थोड़ा सा कंप्लीटली और हमारे लिए यूजफुल होने वाला है, थोड़ा ये ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज क्विकली दिया गया है, सारा डिटेल्स यहाँ पे कितना आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं पुराना वेबसाइट भी है, इसमें थोड़ा सा मॉड्यूल रहता था, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज बीच में रहता था साइड साइड में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे फर्स्ट देख सकते हैं नोटिस बोर्ड आ जा रहा है, फिर क्विक लिंक्स है, फिर एसएससी कैलेंडर्स है, उसके बाद नीचे सारा डिटेल्स है, कौन कौन सा जॉब आने वाला है, सभी नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो स्टूडेंट अगर ओटीआर के बारे में नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओटीआर यानी नोटिस के बाद, यानी 26 फरवरी 2024 के बाद कोई भी नोटिस नहीं जारी हुआ है। लेकिन एसीसी का जो न्यू वेबसाइट है उस पे यहाँ पे देख सकते हैं 1 मार्च को भी यहाँ पे आ गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के बारे में भी, उसके बाद कंबाइंड हायर सेकेंडरी प्लस टू लेवल का भी फाइनल रिजल्ट आ गया है, ये अलग अलग नोटिस भी आ चुका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी का जो न्यू वेबसाइट भी, इस पर रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर ही यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर, यहाँ पे है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट और एडमिन,
अब यहाँ पे आपको एडमिन अगर है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड लेना है, लेकिन अभी तक आप सभी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पुराना वेबसाइट पे रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन वहाँ पे काम नहीं आएगा, इसलिए आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। न्यू रजिस्ट्रेशन ही आपको करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड है, कैप्चा कोड, ये तो अलग से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना होगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, नीचे आ जाना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ पर, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ssc.gov.in में कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स, यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होम पेज है, देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब सबसे पहली बात रहे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये जो न्यू कैंडिडेट है उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, और ये मैं इसलिए बोला कि गुड न्यूज है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया था, उसके पास ना मोबाइल है था ना ईमेल आईडी कि फॉरगेट भी कर सके, इसलिए वो तो अब SSC का फॉर्म भर नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ अब उनके लिए भी आसान हो गया कि वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना जॉब फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चार स्टेज पे ये प्रोग्राम होने वाला है। फर्स्ट प्रोग्राम है पर्सनल डिटेल्स, फिर सेकेंड है पासवर्ड क्रिएशन, फिर थर्ड में आता है आपका एडिशनल डिटेल्स, फिर जो फोर्थ है लास्ट है उसमें है डिस्टिलेशन, जिसमें कैंडिडेट्स डिटेल्स कन्फर्मेशन मांगता है। अब आपको कुछ नहीं करना है इस पर, सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाता है पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पे देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पर्सनल डिटेल्स आपको डालना है। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव ए आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड यस करना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। याद रहे ये सब प्राइवेसी के लिए मैं इसे ब्लॉक करके रखता हूँ, तो सिंपली सबसे पहले आप इस चीज़ों को समझ लीजिए। उसके बाद टाइप आइडेंटिफिकेशन कार्ड, अगर आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं तो आपको ये देना होगा। तो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसका नंबर है आपको देना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये चीज़ देना होगा। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड यहाँ पे डाल देना है, फिर कंफर्म आधार कार्ड डालना है वेरीफाइड के लिए, उसके बाद कैंडिडेट नेम डालना है, फिर वेरीफाइड कैंडिडेट नेम डालना है। उसके बाद अगर आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है चेंज ना करें, इसको नो कर दे। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर वेरीफाई कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, फिर फादर्स नेम है फादर्स नेम डाल लेना है, फिर वेरीफाई फादर्स नेम डालने के बाद आपको अपना मदर नाम डालना है, जो सही सही डालें। याद रहे ये जितने भी डिटेल्स हैं आपको 10th के जो मार्कशीट होते हैं उन्हीं के आधार पर सारा नाम को डिटेल्स करना है, वही नाम यहाँ पे डालना है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन से आपको केयरफुल करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक स्टेप यानी एक एक जो स्पेलिंग है उसे अच्छे से देख के करना होगा। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स यहाँ पे डालना है कि कौन से बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है, फिर रोल नंबर आपका डालना है, फिर वेरीफाई रोल नंबर डालने के बाद आप कब मैट्रिक पास कब किए हैं उसके पासिंग ईयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली वेरीफाई सेलेक्ट में पासिंग ईयर पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हायर लेवल एजुकेशन आपका कितना है, प्लस टू है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, PhD है, जो भी आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली उसे वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई में भी सेम चीज़ डालना है। उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो यूनिक मोबाइल नंबर हो। उसके बाद कैंडिडेट ईमेल आईडी, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर लेना। तो मैं सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे आप सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालते हैं तो याद रहे मैं ये प्राइवेसी के लिए इसे छुपा रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपली सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे OTP आ गया, मैं OTP यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। OTP डाल के वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपली यहाँ जो वैलिडेट है इसे क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाइड यहाँ पे आ गया। उसके बाद सिंपली आपको ईमेल पे भी इस तरह से OTP भेजना है। जैसे आप इस तरह से OTP भेजेंगे आपको सिंपली यहाँ पे ईमेल पे एक OTP चला जाएगा, OTP यहाँ पे डाल के ईमेल को भी आपका वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं उसके बाद इस तरह से जैसे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया। ये सभी मैंने सिर्फ आप सभी को समझाने और एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बेस नोट्स में दिया गया है बेसिक डिटेल्स आर सेव, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड फिर एंड इंस्टॉल्ड बी कंप्लीट विद इन 40 डेज फिलिंग विच योर डेटा सॉल्व बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, यानी 14 दिन में अगर आप अपना डिटेल्स को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हैं तो 14 दिन में आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, ये दिखाया गया है फर्स्ट नंबर पे। अब सेकंड में यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड इज शेयर्ड ऑन द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यू जी टू साइन इट टू योर अकाउंट, यानी आपको आप डायरेक्ट साइन इन करना है, उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल्स डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सेकेंड
थर्ड नंबर में दिया गया है टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लिक कंटिन्यू टू सेट एन न्यू पासवर्ड। अब आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपके मोबाइल पे मैसेज किया गया है या फिर ईमेल आईडी पे मैसेज किया गया है उसे आप यहाँ पे डालने के बाद आपको कैप्चा कोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक जो एग्जाम्पल वाला रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस सारे डिटेल्स बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप अपना यूजर आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद जैसे साइन इन करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड। आपको अब न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। वो जो पासवर्ड आपको मैसेज में दिया गया था वो पासवर्ड सिर्फ एक जनरेटेड किया गया था आपको लॉग इन करने के लिए। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालना है। अब न्यू पासवर्ड क्या हो सकता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड कैसे डालना है, वो भी यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है। फर्स्ट है पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद इंक्लूड वन मोर अपरेज लेटर्स होना चाहिए, यानी कि कुछ लोअर और कुछ कैपिटल्स में होना चाहिए, कुछ स्पेशलिस्ट कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह से पासवर्ड आप क्रिएट करें। यहाँ पे आप सिंपली पासवर्ड यहाँ पे आप रख सकते हैं कुछ भी पासवर्ड। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ। अब इस पासवर्ड के बाद यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने ये पासवर्ड डाला तो ये वैलिड पासवर्ड नहीं है, प्लीज इंटर ये वैलिड पासवर्ड है। तो इसलिए आपको सिंपली कुछ विषय ऐसा पासवर्ड डालना है जिसे कोई पकड़ ना पाए, वो पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, सिंपली पासवर्ड। दोस्तों जैसे ही आप पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक पासवर्ड मैंने डाला, उसके बाद ये सारा ग्रीन हो गया, यानी कि आपका पासवर्ड सही है। फिर कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली नीचे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कोड दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल्स है, सिक्योरिटी क्वेश्चन अलाउ यू रीजन एंड एंट्री टू योर अकाउंट इफ यू हैव फॉरगेटन योर पासवर्ड एंड नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू द मेल फॉर मोबाइल नंबर एसोसिएटेड विथ योर अकाउंट। यानी कि आप अपने अकाउंट में अगर जब फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपके पास अगर यूज करने के लिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं, तो आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देके अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो आपके पास सिंपली एक यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर वन है, उसे आपको यहाँ पे कोई एक को सिलेक्ट कर लेना है जो आपका फेवरेट हो, यानी कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर टू में भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उसका आंसर आपको यहाँ पे डालना है। अब आंसर डालने के बाद वही आंसर से आप अपना फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से डिटेल्स डालने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉपअप आ गया, सक्सेस पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से सारा इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे आ गया है। आपको सिंपली कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसे लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करते हैं, क्योंकि एक एक स्टेप से अगर एक भी मिस करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, उसके बाद आप हमेशा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन खो देंगे। इसीलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने सारे डिटेल्स को केयरफुली हैंडल करके ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल जाता है। अब आपको एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं चार स्टेज पे आपको रजिस्ट्रेशन करना था, फर्स्ट पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स, फिर आपको डिक्लेरेशन। तो आपको सिंपली एडिशनल डिटेल्स आप पहले फिल कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल डिटेल्स पे क्या क्या है। सबसे पहले आपको कैटेगरी वेरीफाई कर लेना है, कैटेगरी डालना है, उसके बाद नेशनलिटी डालना है, फिर कॉन्टैक्ट अदर फॉर अदर नेशनलिटी अगर है तो उसको लिखना है, अगर लाइक इंडियन है तो आपको इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे डालना है। उसके बाद यू आर पर्सन विथ बेंचमार्क, या अगर PWBD से है तो आपको यस करके यहाँ पे डालना होगा, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद आपको ये सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद एड्रेस, आपको परमानेंट एड्रेस सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। सारा डिटेल्स डालने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं ये सारा चीज़ फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस आपको फिर से बताता हूँ। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से पॉपअप आ जाता है, यानी आप एडिशनल डिटेल्स में सारा आपका बायोग्राफी यानी आपका एड्रेस, आपका नेशनलिटी, सारा चीज फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है। आपको सिंपली इस पर ओके कर देना है। जैसे ही आप इस पर ओके करते हैं तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है डिक्लेरेशन। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में डिक्लेरेशन को फिल करना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है डिक्लेरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन माई गिव दिस, यानी सारा डिटेल्स आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको आई एग्री फॉर द अबव टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं चेकमार्क को क्लिक करने के बाद आपको सिंपली डिक्लेरेशन पर क्लिक कर लेना है। अगर उससे पहले अगर आपको प्रीव्यू OTR पर क्लिक करके अपना पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक है प्रीव्यू OTR पर क्लिक करके अपना पूरा डिटेल्स को सिंपली एक बार वेरीफाई कर सकते हैं।
अब आपको सिंपली यहाँ पे डिक्लेयर जो लिखा हुआ है यानी डिक्लेयर पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस यानी डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको सिंपली ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं तो आपको डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाते हैं इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल चुका है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे चीज़ को मैंने बिचमार्क कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यानी सारा चीज़ आप यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एडमिट कार्ड का भी ओपन हो गया, यानी सारा डिटेल्स यहाँ पे बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छा इंटरफेस यहाँ पे इस वेबसाइट पे बनाया गया है। एडमिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन पे क्या क्या है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन में है, इसका भी डिटेल्स यानी 26/2 से स्टार्ट हो चुका है, 18/3 तक इसका एंड डेट है। आप अप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से सारा इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली एप्लीकेशन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि आप इस वेबसाइट से कौन सा एप्लीकेशन पे अपना एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, अपना अप्लाई किए हैं, कौन सा जॉब के लिए अपना वैकेंसी फॉर्म भरे हैं, सारे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। लाइव एग्जामिनेशन पे कौन कौन से एग्जामिनेशन का फॉर्म आ चुका है वो यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये रही आपका जो OTR रजिस्ट्रेशन यानी कि SSC का न्यू वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना और आप उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अगर यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।